सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में मेरे पास प्लेन की दो इक्वेशन दी गई है, 3x-4y+5z = 10, और दूसरी प्लेन की इक्वेशन है मेरे पास 2x+2y-3z = 4। आपको क्या बोला जा रहा है, आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अच्छा, इंटरसेक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, इसका मतलब फैमिली ऑफ प्लेन का कंसेप्ट यूज होगा। तो फैमिली ऑफ प्लेन के हिसाब से मेरे पास प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी 3x-4y+5z - 10। मैं 10 को इस साइड ले गया तो यहाँ -10 हो जाएगा, और प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x+2y-3z, और यहाँ कितना हो जाएगा -4 = 0। ठीक है, अगर मैं x के टर्म को एक साथ, y के टर्म को एक साथ, और z के टर्म को एक साथ लिखना चाहूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास x 3+2 लैम्डा प्लस में कितना हो जाएगा y, यहाँ -4+2 लैम्डा प्लस में z, यहाँ हो जाएगा 5 और माइनस में 3 लैम्डा, और यहाँ हो जाएगा प्लस में -10 - 4 λ = 0। अब आगे क्या बोला जा रहा है हम लोगों से वो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। आगे हम लोगों से बोला जा रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन x = 2y = 3z। अच्छा, ये जो मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन है वो एक लाइन के पैरेलल है जिसका इक्वेशन हम लोगों को दे रखा है। एक काम करता हूं मैं, लाइन में मैं तीनों साइड 1/6 से मल्टीप्लाई करता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तीनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो x (1/6) = 2y (1/6) = 3z (1/6), ठीक है। तो ये हो जाएगा x/6 = y/3, और यहां कितना हो जाएगा z/2। तो ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अगर ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो उस लाइन के DRs क्या होंगे, मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? हाँ बिल्कुल, ये नीचे वाला जो होता है वो DRs ही तो होते हैं। तो इस लाइन के DR मेरे पास हो जाएंगे 6, 3, 2, ठीक है, ये 2 है। तो क्या मैं इस लाइन के DR को वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर को मैं बोलता हूँ, इस लाइन के DR के वेक्टर को क्या हो जाएगा, 6i + 3j + 2k। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझना। अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो इस प्लेन पे जो नॉर्मल होगा क्या वो इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा? हाँ बिल्कुल होना तो चाहिए। तो इसका मतलब इस प्लेन का नॉर्मल को मैं बोलता हूं एन वेक्टर, और इस लाइन के डीआर को मैं बोलता हूं, डीआर के वेक्टर को मैं बोलता हूं ए वेक्टर। तो अगर एन वेक्टर और ए वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या मेरे पास (n·a·0) आ जाएगा, क्योंकि एन वेक्टर और ए वेक्टर परपेंडिकुलर है इसीलिए। अब मेरे पास एन वेक्टर कैसे आएगा, यहां से आएगा। एन वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, एन वेक्टर हो जाएगा मेरे पास 3+2λ (i-4+2λ)j (5-3λ)k। इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूं। और अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रहा मैं एन वेक्टर कैसे लिख रहा हूं तो इतना समझ लेना भाई साहब, एक्स का कोफिशियंट, वाई का कोफिशियंट, जेड का कोफिशियंट तुम वेक्टर फॉर्म में लिख दो, वहीं एन वेक्टर हो जाएगा। और नहीं तो इस प्लेन के इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर तुम एन वेक्टर लिखो। वैसे मैं एन वेक्टर यही लिखने की कोशिश करता हूं, तो मेरे पास एन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3+2λ (i-) प्लस में कितना हो जाएगा -4+2λ (j), और प्लस में कितना हो जाएगा 5-3λ (k), ठीक है। अब मेरे पास ये एन वेक्टर आ चुका है और ए वेक्टर है। अब मैं इस कंडीशन को अप्लाई करूंगा और लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, (a·n·0) करने वाला हूं। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 6 (3+2λ) प्लस में 3 - 4+2λ और प्लस में 2 (5-3λ) = 0। मैंने क्या किया, मैंने (a·n·0) किया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 18+12λ - 12+6λ और +10 - 6λ = 0। इसको सॉल्व करना होगा हम लोगों को। तो यहाँ देखो +6λ से -6λ तो कट गया, यहाँ कितना हो गया 12λ और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 12 - 18 - 10। तो ये हो गया मेरे पास 2 - 18 यानी कि -16। तो लेमडा कितना हो गया -16/12 यानी कि 8 और ये हो जाएगा 6 यानी कि -8/6। तो मेरे पास ओवरऑल लेमडा की वैल्यू क्या आती है, -8/6 आ जाती है। अब लैम्डा की वैल्यू -8/6 में यहाँ पुट करूंगा, मेरे पास प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी प्लेन की इक्वेशन, 3x-4y + 5z - 10 - 8/6। अरे इसको ऑल सॉल्व कर सकते हैं ना अपन, 4/3 कर सकते हैं इसको, ठीक है, 4/3 और 2x+2y - 3z - 4 = 0। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3x-4y + 5z - 10 - 4 (2x+2y - 3z - 4) = 0 × 3 = 0 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 9x - 12y + 15z - 30 और यहाँ कितना हो जाएगा 8x - 8y + 12z + 16 = 0। अब देखना 9x - 8x हो गया, -12y - 8y कितना हो जाएगा -20y हो जाएगा, 15z और 12z कितना हो जाएगा मेरे पास 27z, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, पहले 27z मैं लिख लेता हूँ, और -30 + 16 - 14 हो जाएगा जो कि उस साइड जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो ये मेरे पास प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। चलो